जी, मैं इसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये पूरे परिवार में बिल्कुल अकेला है जी। बस अब ये और मैं पूरे संसार में अकेला हूँ। लेकिन ये तो ऐसे घुस गया है घर वालों से, हम से बहुत ही। पहली बात समझो, कोई अकेला नहीं है, सबके साथ ही भगवान श्री कृष्ण है और अपनी अपनी जगह सब अकेले हैं। आप अकेले नहीं, आपका कौन साथी है? बोलो कौन साथी है? तुम मानते हो लड़का तुम्हारा साथी है? कोई साथी नहीं है। जब काल आएगा ना तो सिर्फ केवल तुम होगे तुम, और उसकी चोट सिर्फ तुम्हें सहनी पड़ेगी। ये सब बाहर खड़े रहेंगे, सब अकेले हैं और सबके साथी श्री कृष्ण है। यदि प्रभु को अपना साथी मान लो, सब मंगल ही मंगल है। प्रभु से विमुख होने पर चाहे जितना बड़ा परिवार हो, रावण से बड़ा परिवार था क्या? राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। समझ में आया? भगवत सन्मुख हो, ये कोई परेशानी के विषय थोड़ी। ये शराब पीता है, जुआ खेलता है, पराई स्त्री में, ये क्या परेशानी? परेशानी हमें बताओ क्या परेशानी? जो परेशानी का विषय वो नहीं। अगर वृंदावन आता है, भागवत पढ़ता है, नाम जप करता है, नाम कीर्तन करना, ये परेशानी का विषय? 21 पीढ़ियां तुम्हारी तर जाएंगी अगर ये भजन करने लगा। हम ये इस पक्ष में नहीं कि बाबा जी बने, गृहस्थ रह करके यदि स्त्री आदि में राग है तो गृहस्थी भोगते हुए माता पिता की सेवा करते हुए भजन प्रायण रहे। इसकी शिकायत क्या है? कौन सा ऐसा बुरा आचरण जो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है? डिस्टर्ब क्यों? आप डिस्टर्ब हो वो तो प्रश्न है, डिस्टर्ब किस में हो? अरे मैया, भगवान का भजन करो जिससे इसका भी कल्याण होगा, तुम्हें भी शांति मिलेगी। ये शरीर स्थायी नहीं है, स्पष्ट सुन लो। जितने दिन के लिए आए उतने दिन ये शरीर रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। चाहे तुम माथा फोड़ो और चाहे अपना गला काटो, वास्तविक बात है कि तुम इसे भगवान का जन मान करके सेवा करो, जितनी आपको माता का रोल दिया गया है, और प्रभु को अपना मानो, अभी आनंद आ जाएगा। इसे अपना मानोगे, प्रभु को पराया मानोगे, एक दिन रोना ही पड़ेगा। ऐसे ना सही तो नौकरी लग जाएगी, अमेरिका चला जाएगा, बहू से फोन भी नहीं करेगा, तब अब क्या करोगे? अरे कितने ऐसे उदाहरण है, कोई हम नई बात थोड़ी कह रहे हैं। माता पिता ने खूब नौकरी पेशा करके लड़कों को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, विदेश गया, और विदेश जाके नई दुल्हन कर ली, इसके बाद माता पिता को भूल गया, और वो बेचारे अपना कोई कंटेक्ट है, फोन से बात करे ना कोई, अब परेशान। कितने हमारे सामने ऐसे सब। प्रभु से अपनापन करो, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप सच्ची मानो, इससे न सही तो सारे जगत से कहीं ना कहीं आपको प्यार दिला करो, आपको संतुष्ट कर देंगे। और अगर केवल इससे संबंध रखोगे तो आपको रोना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वो मोह आपको दुख देगा, निश्चित देगा। और ये सब दुख देने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनमें किसी को आज तक कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यदि वास्तविक सुख पाना है तो इसमें भी श्री कृष्ण का भाव करो, मेरे बेटे के रूप में मेरे भगवान आए हैं, और भगवान से प्यार करो। तो आप देखोगे चूंकि भगवत भाव कर रहे हो तो प्रभु इसके अंदर है, इससे हर चेष्टा वही करेंगे जिससे आपको सुख मिले। जब हम पुत्र मानेंगे तो हमारा भाव मोह से युक्त है, तो हर चेष्टा होगी हमें जलाएगा, क्योंकि मोह है ना, वो मोह हमारे अंदर क्लेश पैदा करेगा, शांति पैदा करेगा, नाना प्रकार के सूल, मोह मूल बहु सूल प्रद, त्याग हो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल जड़ है दुख की, मोह मोह मूल बहु सूल प्रद, त्याग हो तम अभिमान, उसको त्याग दो। समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रश्न हो तो और बताओ, कोई समस्या हो आपकी तो बताओ।